स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट वर्ल्ड ट्रेड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण विश्व व्यापार एवं विकासशील देशों की समस्याएं। इसमें हमको क्या क्या डिस्कस करना है सबसे पहले वो मैं बताती हूँ। हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ, उसका महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, नीड फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, इसकी जरूरत क्यों है। उसके बाद लेवल्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर एमएनसी, क्या क्या लेवल हैं उसके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की रिकवरी, मतलब उसका एक हिस्ट्री जैसा है उसको डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट या अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है। फिर मेन हमको क्या डिस्कस करने हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसकी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पढ़ेंगे विकासशील या विकासशील को क्या बोलते हैं, अर्धविकसित राष्ट्रों की विदेशी व्यापार संबंधी समस्याएं, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज ट्रेड प्रॉब्लम्स, उनको क्या क्या ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती है। मेन क्वेश्चन इसी से बनता है आपका कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती है। और हम लोग पहले क्या डिस्कस कर लेंगे कि पहले हमको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम के लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, एनवायरनमेंट क्या होता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है, फिर उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या होती है। तो किसी को आइडिया है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्या होता है या अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते होंगे, उसमें क्या आता होगा, उसकी जरूरत क्यों है, है किसी को आइडिया? मैम, जो बिजनेस ग्लोबली होता हो वो है। हाँ हाँ बोलो मैम। मतलब हमारे कंट्री जैसे किसी और कंट्री के साथ कोई डील कर रहा है या फिर कुछ ऐसा, तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन, विश्वव्यापीकरण, मैंने सबको ही डिस्कस कर लिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस हो चुका है हमारा। क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ, अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण का सृजन घरेलू पर्यावरण व विदेशी पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को, इंटरेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट से होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी, तकनीकी आदि पर्यावरण क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्त को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अगर मोटे तौर पे देखें तो जिन तत्वों को शामिल किया जाता है वो कौन से होंगे, आर्थिक, सामाजिक, जो भी होंगे, जिन इन सभी तत्वों का क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो जो क्या करेंगे, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करेंगे, हम उसे क्या, उसको क्या बोलेंगे, हमने क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमारे बिजनेस को जो जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं हम उसकी स्टडी किसमें करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में। हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, मतलब हमारे इंटरनेशनली या ग्लोबली जो बिजनेस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, वो सारा क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट इज अंडरटेकिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिजाइन टू प्लान प्राइस, प्रमोट एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ कंपनीज, गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स और यूजर इज मोर देन वन नेशन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। हम क्या कर रहे हैं, एक नेशन से निकल के, हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था, अब कोई बैरियर्स नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। इवन थ्रू ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, द एनवायरनमेंट विच अ कंपनी मस्ट कन्फ्रंट एंड विद इन विच इट इज हैज टू ट्रेड चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। क्यों, इस समझ में आया सभी को इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। यस मैम। इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एनवायरनमेंट से, कि उन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या दोनों के बीच में क्या बोलना चाहिए कॉमन है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, सारे क्या होंगे, जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर रहे होंगे या फाइनेंस को इफेक्ट कर रहे होंगे, हम उन सब की स्टडी किस में करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में या इंटरनेशनल ट्रेड एनवायरनमेंट में।
क्लियर है? यस मैम। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है बोलना चाहिए या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो मैं क्या बोलूंगी कि इंटरनेशनली ट्रेड हैज इंक्रीज एट अ ग्रेट पेस। हमने सभी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, हमारा जो व्यापार है, व्यवसाय है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। संचार एवं यातायात की सुविधाओं के तेजी से बढ़ते जा रहे माध्यमों के कारण विश्व का आकार बहुत छोटा हो गया है। फलतः विदेशी बाजारों में आने वाली मंदी और तेजी सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगी है, क्योंकि अब हम क्या करने लगे हैं, इंटरनेशनल वे में या मीडियम से क्या करने लगे हैं, ट्रेड करने लगे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज ऑफ ऑल साइज आर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ऑपरेशन इन एडिशन टू देयर डोमेस्टिक ऑपरेशन, मोर स्पेशली इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन हैज गेन momentum as well as has acquired at a certain urgency and in वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे बता रहा है कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम क्या करने लगे हैं। वो बोल रहा है कि जो कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन या जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सब इतनी फास्ट हो गई है, हमारे जो सोर्सेस हैं वो इतने फास्ट हो गए हैं जो मीडियम से, उसकी वजह से जो हमारा वर्ल्ड है उसका साइज तो हमें कैसा लगने लगा है, छोटा लगने लगा है। इसलिए जो भी इफेक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि जो भी अब फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, मतलब मेरी कंट्री के लिए दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्री उस कंट्री के लिए मेरी कंट्री, तो क्या होता है एक दूसरे की मार्केट में अगर कोई चेंज होता है तो वो सभी के मार्केट में दिखता है। अगर वहां पे क्या होता है तेजी होती है तो सारे सभी जगह तेजी होती है, अगर मंदी होती है तो सबकी अर्थव्यवस्था क्या होती है उससे प्रभावित होती है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय तेल के मूल्यों की वृद्धि ने सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया कर दिया और कार बनाने वाले निर्माताओं को ऐसी कार बनाने के लिए मजबूर कर दिया जो तेल उपभोग की दृष्टि से कम खर्चीली हो, क्योंकि क्या होता है सभी जगह तो तेल नहीं होता है तो सब लोग क्या करते हैं उसको इम्पोर्ट करते हैं ज्यादातर कंट्रीज। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो वहां से इम्पोर्ट करेगा, अगर वहां पे क्या हो रहा है उसकी उसने मूल्यों में वृद्धि कर दी है तो बाकी देश जो भी होंगे, जो कंट्रीज होंगी, उन सबकी इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई सी चीज की प्राइस कम होती है या ज्यादा होती है, क्योंकि हम जस्ट बिकॉज ऑफ हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू ट्रेड करते हैं, हमें हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री क्या होती है बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है, इम्पोर्ट करती है। जैसे बहुत सारी कार्स है जो हम टोटली इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में, या बहुत सारे क्या होते हैं उनके बहुत सारे जो मशीनरी होती है उनके कुछ पार्ट हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते, हम उसको नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। तो अगर उसकी प्राइस में क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आयात और निर्यात की वजह से क्या होता है, हमारा हमारा बाजार भी क्या होता है बहुत अधिक तरीके से प्रभावित होता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो वही वो बोल रहा है कि उसने क्या कर दिया, फिर कार बनाने वाले निर्माताओं को, ऐसी कार जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, क्योंकि क्या हो गया है जो ऑयल है उसकी क्या हो गई है प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसने उसको क्या कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो ऐसी बनाए जिसमें क्या हो उसका जो क्या बोलना चाहिए तेल कम लगे उसमें, है ना। तो क्या बोल रहा है, तेल उपभोग की दृष्टि से कम खर्चीला हो। तो क्या बोल रहा है कि इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हम सब क्या करते हैं एक दूसरे पर अब डिपेंड हो गए हैं, तो हमें क्या करना होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, या इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो क्यों रिक्वायरमेंट है, इंक्रीजिंग रोल ऑफ मल्टीनेशनल ऑपरेशन, रैपिड इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि बहुत तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है, सिंपली जब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट किया, कोई भी बिजनेस है मेरा स्मॉल, अगर एक छोटी सी दुकान भी है मेरी और मैं उसके लिए उस जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड स्टडी नहीं करूंगी तो मैं बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाऊंगी। तो सेम इंटरनेशनल अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है हम बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगी, उसकी स्टडी करना तो बहुत ही जरूरी है कि अभी दूसरी कंट्रीज में या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, कोई कैसी अभी क्या बोलना चाहिए, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो गया है वो, तो उसके बारे में देखकर ही बाकी सब लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो वैसे ही बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इसकी स्टडी करना बहुत ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब हम क्या करने लगे हैं इंटरनेशनली ट्रेड बहुत फास्ट वे में, इंक्रीजिंग वे में करने लगे।
free flow of goods and different free flow of goods in different countries because of reduction in tariffs and non-tariff barriers. हमने क्या पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन में हमको एक्सपोर्ट को क्या करना होता है, मोटिवेट या आया निर्यात को क्या करना है, बढ़ावा देना है. तो उसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, सभी सरकारें क्या करती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, निर्यात को बढ़ावा मिले और हम लोग क्या करें, आयात कम करें. उसके लिए हमने क्या किए थे कि निर्यात पे जो भी ट्रैफिक बैरियर्स थे, मतलब जो ड्यूटी या जो उनको कर देना पड़ता था, वो क्या कर दिया था, कम कर दिया था, बहुत सारा हटा दिया था. तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज, हम फ्री वे में काम कर सकते हैं. फ्री फ्लो मतलब कि बिल्कुल आराम तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टैरिफ्स या बहुत ज्यादा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं. तो फिर तो हमें, अगर हम दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें उसकी स्टडी करना बहुत ही जरूरी है. इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ गए हैं. इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है, विदेशी विनियोग में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है हमारा. तकनीकी स्वतंत्र प्रवाह हो गया है, टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट फ्लो हो गया है. फिर क्या बोल रहा है, बढ़ती हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कंपनियों की क्या हो रही है, नंबर ऑफ कंपनीज भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. ये सब सिचुएशंस मुझे क्या बता रही हैं कि मुझे इंटरनेशनल ट्रेड एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ही जरूरी है. अगर हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करेंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? यस मैम. अब इसमें क्या बोल रहा है, लेबल्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर एमएनसी, क्या क्या लेबल्स हो सकते हैं. देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, दो ही लेबल्स हो सकते हैं. एक हमें क्या करना होता है, लेबल्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज में एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होती है, दूसरी फॉरेन एनवायरनमेंट की, एक अपने घरेलू वातावरण की या पर्यावरण की, दूसरी विदेशी पर्यावरण की. इन दोनों की स्टडी करनी पड़ेगी. इन दोनों की स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि उनके क्या क्या, किस तरीके से मुझे क्या करना है, काम करना है. डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में मुझे देखना है कि कौन कौन से फैक्टर डोमेस्टिक, मतलब घरेलू तौर पर हम हमारे बिजनेस को, हमारे व्यवसाय को, हमारे ट्रेड को इफेक्ट करें. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी वही सेम, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो एनिमेंट्स डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के थ्रू हमको इफेक्ट करेंगे, उनको हम कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे. लेकिन जो फोर्स कहाँ से आएगा, फॉरेन एनवायरनमेंट से आएगा, वो कैसा होगा, अनकंट्रोलेबल होगा, मतलब जिसको हम क्या नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते. ठीक है, अब जैसे एक देश ने बढ़ा दिया तेल का भाव, उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन हमारी कंट्री में कुछ होता तो हमको पहले से पता, और हम क्या कर सकते हैं, उस पर कुछ हद तक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं. क्लियर है? लेबल्स में सिर्फ दो ही है, एक है अपना इंटरनेशनल और सॉरी एक है डोमेस्टिक और दूसरा है फॉरेन. तो घरेलू पर्यावरण और दूसरा हो जाएगा विदेशी पर्यावरण. इन दोनों की क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है. अब मुझे क्या बोल रहा है, वो बैरियर्स टू ट्रेड विद इन द रीजनल ब्लॉक लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो क्या है, अंडर डेवलप्ड बोल सकते हैं, जिसको अर्धविकसित बोल सकते हैं, या जिसको क्या बोल सकते हैं, विकासशील बोल सकते हैं. लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो ज्यादा डेवलप नहीं हुई. बैरियर टू ट्रेड विद इन द रीजनल ब्लॉक, द प्राइमरी बैरियर टू ट्रेड विद इट्स रीजनल पार्टनर्स इज द पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टर्म ऑफ क्वालिटी, मेंटेनेंस एंड कनेक्टिविटी विद द ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज की बात कर रहे हैं या विकासशील देशों की, अर्धविकसित, उसमें हमारी कौन सी, हमारी कंट्री भी आती है, क्योंकि हम भी डेवलप्ड में नहीं है अभी, अंडर डेवलप में. तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहला बैरियर या सबसे बड़ी पहली रुकावट क्या होता है, कि जो हमारे रीजनल पार्टनर्स होते हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी, हम किसी भी कोई भी रॉ मटेरियल को मंगवाता है या किसी भी मशीनरी को या किसी इक्विपमेंट को, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले भी कि फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें कई स्टेजेस से गुजरना होता है. पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, मतलब उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, उससे मिलके कोई एक प्रॉपर मशीन बनती है, प्रॉपर कोई प्रोडक्ट बनता है. तो क्या बोल रहा है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टर्म ऑफ क्वालिटी, मेंटेनेंस एंड कनेक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है. जैसे अब
देखो इसमें क्या बता रहा है, लैक ऑफ रेलवे कनेक्शन टू दिखा रहा है वहां पे सुडान का बता रहा है। तो हमको क्या करना पड़ रहा है कि बहुत सारी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमको बैरियर्स क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब क्या है, हमारे लिए बैरियर्स है ना, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास, हम प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये क्या है, एक प्राइमरी बैरियर है। फिर क्या बोल रहे हैं, पहला बैरियर है अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद वो मुझे देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे सबसे पहला अगर मैं देखूं तो अर्धविकसित देशों या अंडर डेवलप कंट्रीज का ट्रेड प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, भुगतान संतुलन की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, हम देखते हैं हमारा जो भी बोलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, और अगर वो बैलेंस नहीं होता है तो मुझे उसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो अपनी सेविंग यूज करनी होती है या तो मुझे किसी से बोरो करना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है कि अर्धविकसित जो देश हैं उनकी विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन पर विकसित देशों के ऋण का भारी बोझ है, जो अधिकांश रूप से प्रतिगत व्यापार संतुलन का परिणाम है। इन देशों की ऋण सेवा के रूप में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कोष बाहर चला जाता है। मतलब हम क्या हो रहा है, हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो, कि सबसे मेन रीजन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ऊपर क्या है, बर्डन है, इंक्रीज बर्डन, डेब्ट बर्डन, हमारे पास क्या है, पहले से ही बहुत सारा क्या है, बोझ है, किसका, ऋण का बोझ है, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते हैं, उतने अच्छे से इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, पहला पहला अगर मैं देखूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बढ़ता हुआ ऋण भार। फिर क्या बोल रहा है, हमारा जो बाजार है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको देखो आप दो हेडिंग लिख सकते हो इसकी, या तो लिख सकते हो इंक्रीज डेप्थ बर्डन, ये एक रीजन है, या लिख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि क्या होता है, दोनों ही सेम ही चीज है। क्या हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है, उसकी बर्डन क्यों है, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को वहां पे क्या नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, और हम उनको क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये, सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके ऊपर भारी बोझ है, जिसकी वजह से वो क्या कर नहीं पाते, उनका जो बहुत सारा जो अमाउंट है वो किस में निकल जाती है, उनकी विदेशी मुद्रा कोष से चला जाता है ऋण सेवाओं को पूरा करने में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एडवर्स टर्म ऑफ ट्रेड बोल रहा है, या जिसको मैं बोल सकती हूँ कि वही बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। फिर क्या बोल रहा है, सीमित बाजार, लिमिटेड मार्केट, अर्धविकसित देशों की विदेशी व्यापार संबंधी दूसरी महत्वपूर्ण समस्या क्या है, बाजार का सीमित होना, अतः बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त नहीं हो पाते, बाजार सीमित होने के कारण श्रम का विभाजन नहीं हो पाता जो बोलना चाहिए, अतः आवश्यक है कि अर्धविकसित देश न केवल विकसित देशों के साथ निर्यात व्यापार को और बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ाएं, बल्कि परस्पर व्यापार को प्रोत्साहन दें। हम देख रहे थे, हमने क्या बोला था, हमारी कंट्री ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तो काफी सारे टैरिफ्स कम किए थे, लेकिन हम उतने जो लार्ज स्केल का हम जो प्रोडक्शन करते हैं, हम उसका उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाते, क्यों, क्योंकि हमारा मार्केट का साइज जो है वो कैसा है, लिमिटेड है, हाईली डिपेंड ऑन एडवांस नेशन, मेजोरिटी ऑफ एक्सपोर्ट गो टू एडवांस नेशन एंड इम्पोर्ट कम फ्रॉम दीज एडवांस नेशन। मतलब क्या बोल रहा है, क्योंकि हम लोग उतने क्या नहीं, लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो दूसरी कंट्री इम्पोर्ट करती है, और सपोज हमको एक्सपोर्ट करना है, तो हम एक्सपोर्ट वो हमसे ना लेके किससे करती है, जो एडवांस नेशन होते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, जो अंडर डेवलप है उनसे लेना नहीं चाहती। तो हमारा मार्केट का साइज कैसा है, देखो अनस्टेबल एक्सपोर्ट मार्केट दिखा रहा है कि एक्सपोर्ट लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, फ्यूल, इन सब के बारे में क्या कर रहा है, मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विकसित देशों की संरक्षणवादी नीति, वही सेम हो जाएगा, प्रोटेक्शन पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्री, वो क्या करती हैं, अर्धविकसित देशों की विदेशी व्यापार को बहुत बड़ा धक्का इसलिए लगा क्योंकि विकसितशील देशों ने विकासशील देशों के आयातों पर कई प्रकार के प्रबंध लगा दिए हैं, फलतः अर्धविकसित देशों का निर्यात व्यापार कम हो गया है। अमेरिका, यूरोप, साझा बाजार, एफ्टा देशों के संरक्षण नीतियों के कारण अर्धविकसित देशों का निर्यात प्रवाह रुक गया। हमने क्या बोला, पहला तो हमारा मार्केट साइज लिमिटेड है,
दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि बहुत वो क्या करते हैं, मार्केट साइज लिमिटेड है, प्लस वो जो एडवांस कंट्रीज हैं उनसे ही क्या करना पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं, हमसे नहीं कर रहे। उन्होंने क्या किए, काफी सारे बैरियर्स लगा दिए हैं, काफी सारे क्या लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते हैं, वहां पे ट्रेड नहीं कर पाते। लिमिटेड मार्केट एक्सेस हम पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रॉब्लम। एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रॉब्लम मतलब कि निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या। अर्धविकसित देशों में निर्यात संबंधन मतलब उसको प्रोत्साहन को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में अधिक वृद्धि की जा सके, परंतु राष्ट्रों में कुल निर्यात आयात का बहुत थोड़ा भाग ही पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होता है, क्योंकि चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात एवं विदेशी ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में ही उपयोग होता है। जो हमने पहले अभी पढ़ा था कि क्या प्रॉब्लम थी, कि हमारी जो भी क्या थी कैपिटल थी, मेन भाग जो था वो मूलधन प्लस ब्याज का भुगतान, जो हमने क्या ले रखा है, ऋण ले रखा है, डेप्ट बर्डन है, उसको फुलफिल करने में ही हमारा बहुत सारा पार्ट निकल जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, आयात संबंधी समस्याएं। आयात संबंधी समस्या मतलब कि एक्सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे, सॉरी इंपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम उद्योगिकरण के लिए प्रयत्नशील है, तो हमें क्या, हमारी कंट्री जो क्या है, हमने क्या देखा था कि हमने जब ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ रहे थे, तो हम क्या देख रहे थे कि हम कोशिश कर रहे थे कि हम सिर्फ वही प्रोडक्ट को क्या करें, इंपोर्ट करें, आयात करें, जिससे हमें क्या हो, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले। लेकिन क्योंकि हम अभी अंडर डेवलप हैं, हमें डेवलप्ड होने के लिए अपने इंडस्ट्री सेक्टर को काफी ग्रो करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे या उससे रिलेटेड जो भी सामान होंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। औद्योगिकरण के लिए प्रयत्नशील है, बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है। आयात में सम्मिलित होने वाली वस्तुएं प्रायः देश के आकार, घरेलू साधनों की उपलब्धता, आय वितरण आदि के ढांचे पर निर्भर करती है। यदि आर्थिक विकास के प्रारंभ के साथ साथ मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर यदि समाज के उच्च वर्ग के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, तो उच्च कोटि के उपभोग वस्तुओं का आयात भी बढ़ जाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक अर्धविकसित देश की विकास योजनाओं द्वारा औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु बहुत सारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमको अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। जैसे मशीनरी मंगाना पड़ती है बाहर से, कुछ टेक्निकल नॉलेज के लिए उनसे हेल्प लेनी पड़ती, सर्विसेज लेनी पड़ती है, तो हमको क्या होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इस वजह से भी क्या, ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम डिस्कस ये करें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग डेप्ट बर्डन, बढ़ता हुआ ऋण भार। फिर हमने देखा लिमिटेड मार्केट साइज, सीमित बाजार का आकार। फिर हमने देखा विकासशील देशों की संरक्षणवादी नीति, प्रोटेक्शन पॉलिसी, पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्री, वो क्या करती हैं, वो बहुत सारी प्रोटेक्शन पॉलिसीज बना के रखती हैं। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इम्पोर्ट प्रॉब्लम्स, फिर ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की बहुत सारी क्या होती हैं, शर्तें होती हैं, जो केवल आयात निर्यात तक निर्भर नहीं रहती, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तक निर्भर नहीं रहती, उससे अधिक होती हैं कि कौन से वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। अगर हम कोई क्या कर रहा है, व्यापार की शर्तें उस दर से संबंधित होती है जिस पर किसी देश की निर्यात और आयात में विनिमय होता है। व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है और आयात के बदले में कम विदेशी मुद्रा विनिमय का भुगतान करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप देश की विदेशी व्यापार में काफी लाभ आर्थिक विकास हेतु प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं, देखो क्या बोल रहा है, डिपेंड करता है कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर फेवरेबल होती हैं तो क्या बोल रहा है कि अगर हमारे अनुकूल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ज्यादा
क्या मिलेगी, करेंसी मिलेगी और इंपोर्ट करेंगे तो कम करेंसी पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट अगर वो कैसी हो गई, अनफेवरेबल होगी, फेवरेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लाभ ना मिला मिलके हमको क्या होगा, उससे उल्टा होगा, जिससे निर्मित वस्तुओं का क्या बोल रहा है अधिक, जब इसकी विपरीत व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा अधिक होने पर लाभ की मात्रा नगण्य हो जाती है, मतलब एकदम कम हो जाती है। इस तथ्य को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मान लेते हैं कि एक अर्धविकसित देश है जो इतने कच्चे माल का निर्यात कर रहा है, मतलब रॉ मटेरियल को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें निर्मित वस्तुओं के आयात का भुगतान ठीक हो जाएगा, मतलब जो हम आयात हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ठीक हो जाएगा। अब मान लीजिए कच्चे माल का मूल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ जाता है, परंतु निर्मित वस्तुओं का मूल यथास्थिर रहता है या कम बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार शर्तें अर्धविकसित देशों में बदल जाएंगी। कच्चे माल की उतनी ही मात्रा में वह पहले देश के साथ अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेगा। चूंकि निर्मित वस्तुओं का मूल स्थिर है, इसलिए वस्तुओं की पहले जितनी मात्रा में खरीदने के बाद भी अर्धविकसित देशों के पास मुद्रा बची रहेगी। मतलब वो क्या बोल रहा है, डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी क्या है उस टाइम पे, किसी दूसरे की क्या कंडीशन है। अगर वो क्या बोल रहे हैं, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है और इंपोर्ट की वैल्यू कम हो रही है, तो वो मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन होगी। उसके जस्ट अपोजिट एक्सपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो जाती है और इम्पोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बोल रहा है, ये व्यापार की जो शर्तें हैं ये भी क्या करती हैं, बहुत हद तक हमको इफेक्ट करती हैं। तो क्लियर हुआ व्हाट इज बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट और उससे रिलेटेड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स, अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण और विकासशील देशों की समस्याएं। सभी को क्लियर है क्या होता है?